आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना, यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे, कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30,00,000 से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी, कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हरेक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए, आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया, निगरानी समितियां गांव गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है, संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1,00,000 केस प्रतिदिन आएंगे, आज के जो आंकड़े हैं मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद
की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं, उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं। क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है, सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में है। और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीकू का निर्माण किया था, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीकू का निर्माण हुआ, कुछ सीएससी में भी मिनी पीकू का निर्माण हुआ। ये मिनी पीकू हमारे लिए या पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं, बच्चों के लिए थर्ड वेव में भी उपयोगी होंगे और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। ये सभी कार्यक्रम लगातार सरकार की तरफ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना है, इसमें समय से उसके उपचार के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, उसके टेस्ट की व्यवस्था हो, या फिर हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल सके इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का। जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा। और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं, जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीकू के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीकू का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। चूंकि थर्ड वेव की आशंका बच्चों पे व्यक्त की जा रही है, हमें नहीं बोलना चाहिए कि यह कामकाजी वर्ग है, 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, कामकाजी वर्ग है, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अन्य काम धंधों के लिए उनको घर के बाहर निकलना पड़ता है। और इसलिए सरकार ने तय किया हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ हम गठित करेंगे, जहां पर ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा सके। अभिभावक अगर सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित रखने की तैयारी है, हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे लेकिन अभिभावक को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, हमने तय किया है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हम इससे कवर करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, और मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक बूथ का गठन होगा, जहां मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें, इस प्रकार का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब तक सर्वाधिक वैक्सीन भी दिया है, हम लोग 1,80,00,000 से ऊपर लोगों को वर्तमान में वैक्सीन दे चुके हैं और यह अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को